नमस्कार। आज जिस न्यूज पर हम चर्चा करने वाले हैं वो एक आईएएस ऑफिसर को लेकर है। और यह जो आईएएस ऑफिसर है जिनकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खूबसूरत सी दिखने वाली महिला जिनका नाम पूजा खेडकर है, इन पर जो है वो एक कंट्रोवर्सी हो गई है। अब कंट्रोवर्सी क्या है उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ कि आखिर ये जो है पूजा खेडकर ये है कौन। तो भाई ये जो पूजा खेडकर है ये 2023 की आईएएस ऑफिसर है जिनके द्वारा ऑल इंडिया रैंक 841 जो था वह यूपीएससी एग्जाम में लाया गया था और इनको जो था वह आईएएस कैडर मिल गया था। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई 841 रैंक पर यूपीएससी में आईएएस कैसे ये महिला जो है वो बन सकती है। उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो आपके सामने लाऊंगी जिस पर मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई आखिर ये 841 रैंक पर आईएएस ऑफिसर कैसे बनी। और चूंकि ये ओबीसी थी, इनको ओबीसी कास्ट का बेनिफिट जो है वो कैसे मिला, जबकि इनके पापा जो है वो एक आईएएस ऑफिसर है और इनकी जो संपत्ति भी है इनके पिताजी की वो काफी ज्यादा है, यानी कि 40 करोड़ रुपए से जो है वो ज्यादा है, तब इन्हें आईएएस जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसका बेनिफिट जो है वो कैसे मिला, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है चर्चा करूंगी। अभी आप जान लीजिए कि 841 रैंक पर जो है यूपीएससी एग्जाम में इन्हें आईएएस कैडर जो है वो मिल गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक काफी संपन्न परिवार से आती है। इनके जो पिताजी हैं जिनका नाम है दिलीप खेडकर, ये एक रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो ऑफिसर है। अब देखते हैं भाई कंट्रोवर्सी जो है वो क्या हुई है। तो कंट्रोवर्सी ये हुई है कि जो मिस खेडकर है इनके द्वारा प्राइवेट व्हीकल का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और प्राइवेट व्हीकल भी कोई ऐसी छोटी मोटी व्हीकल नहीं है कि भाई ऑल्टो है या फिर अगर हम बात करें तो नॉर्मल कोई कार है या नेक्सॉन है या कोई छोटी मोटी कार है, नहीं, ये एक लग्जरी सेडान का इस्तेमाल कर रही है, ऑडी जो है वो गाड़ी है जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का स्टिकर भी जो है वो चिपकाया हुआ है। इसके साथ ही साथ ये आप कार देखिए, ये देखिए, इसके साथ ही साथ इन्होंने नीली बत्ती भी जो है वो यहाँ पर लगाई हुई है। तो पहली बात तो ये अपनी प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल कर रही है जो कि ऑडी है। इसके साथ ही साथ इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्टिकर लगाया हुआ है और ये नीली बत्ती का जो है वो इस्तेमाल कर रही है। और इनके द्वारा जो नेम प्लेट भी इस्तेमाल किया गया है इस ऑडी कार में वो क्या है भाई, वीआईपी नेम प्लेट है जो कि प्रिविलेज है एक तरीके से इस्तेमाल करने का। जो ऑफिशियल्स होते हैं है ना वो जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सीनियर ऑफिशियल्स। सो इनके द्वारा एक वीआईपी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया है, ऑडी कार का इस्तेमाल किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का स्टिकर का इस्तेमाल किया गया है और नीली बत्ती का जो है वो इस्तेमाल किया गया है जो कि अभी अलाउ नहीं है ऑफिसर्स को। लेकिन चूंकि इनके पिताजी एक अच्छे रैंक के ऑफिसर रह चुके हैं, काम इन्होंने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रहे हैं, तो उन्होंने उनके पिताजी की जो पाल है उसका गलत इस्तेमाल या कहना चाहिए मिसयूज जो है वो किया है। इनको लेकर एक न्यूज और भी सामने आ रही है कि असिस्टेंट कलेक्टर बनने के पहले ही इनके द्वारा काफी हाई डिमांड जो थी वह की जा रही थी, जिसमें एक ऑफिशियल कार ये मांग रही थी, एक वीआईपी नंबर प्लेट भी जो थी ये मांग रही थी, साथ ही साथ अकोमोडेशन यानी कि रहने की व्यवस्था जो थी वह मांग रही थी और एक ऑफिशियल चैम्बर जिसमें एडिक्वेट स्टाफ हो और एक कांस्टेबल हो उसकी भी जो थी वह इनके द्वारा मांग की गई थी। क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ये प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर है ना, ये अभी प्रोबेशन पे है यानी कि अभी इनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी व्यक्ति का यूपीएससी में चयन होता है तो वो कहाँ पर जाता है भाई, ट्रेनिंग करने के लिए लवासा जाता है और उसके बाद क्या होता है, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसको जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर जो है वो बनाया जाता है ना। अभी तो वो प्रोबेशनरी पीरियड में ही है, ट्रेनिंग पीरियड में है, तो ट्रेनिंग पीरियड में किसी भी ऑफिसर को ये सब सुविधाएं जो कि इनके द्वारा मांग की जा रही हैं ये सब प्रोवाइड नहीं की जाती है। इसी वजह से ये जो न्यूज है यह काफी एक तरीके से कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो हो गई है। वही लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग ऑफिसर इज नॉट एंटाइटल्ड टू दिस प्रिविलेज, जबकि इनके द्वारा जो थी वो इसकी मांग की जा रही थी। इसी वजह से क्या हुआ है भाई, इसी वजह से इनका ट्रांसफर जो है वो पुणे टू वाशिम जो है वो कर दिया गया है मिसयूज ऑफ पावर की वजह से। एक्चुअल में इन्होंने एक कार्य और किया है, क्या किया है कि अपनी वर्क प्लेस पर इनके द्वारा एक बिहेवियर सामने आया है जो कि काफी खराब बिहेवियर है, कलेक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ये है
कि इनके द्वारा सीनियर ऑफिसर, नाम था उनका अजय मोरे, उनकी नेम प्लेट हटा दी गई और वहां पर अपनी नेम प्लेट का जो है वो इस्तेमाल किया गया। वहां पर उन्होंने क्या किया भाई, सीनियर ऑफिसर की नेम प्लेट हटा दी और अपनी नेम प्लेट जो है वो लगा दी। कहां पर? तो पुणे कलेक्टर ऑफिस में। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया भाई, एक लेटर जो है वो लिख दिया गया और उसी लेटर के अनुसार एक्शन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। अगर हम बात करें कि क्या एक्शन लिया गया है, तो इनका ट्रांसफर पुणे टू वाशिम कर दिया गया है। अब ये वाशिम डिस्ट्रिक्ट में ही अपनी ट्रेनिंग जो है वो पूरी करेंगी। शी विल कंप्लीट हर ट्रेनिंग अंटिल 30th जुलाई 2025। और ये जो सामने आ रहा है, ये सामने आ रहा है ऑर्डर जो इशू किया गया है पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा, जो कि चीफ सेक्रेटरी को जो है वो इशू किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये वाशिम में रहकर ये अपनी ट्रेनिंग पूरी करेंगी। कब तक? तो जुलाई 30th 2025 तक। तो भाई ये कॉन्ट्रोवर्सी पूरी थी जो कि आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर को लेकर हुई है, जिनके द्वारा अपनी पार का जो है वो मिसयूज किया गया है। उनके पिताजी की जो एक अच्छी पोजीशन थी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, उनकी पार का भी जो है वो इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगी कि 841 रैंक पर, पहली बात तो इनको आईएएस रैंक जो है वो कैसे मिली, सॉरी आईएएस कैडर जो है वो कैसे मिला। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन्होंने और भी जो है वह अपने पिता की पार का मिसयूज किया है, जो कि ओबीसी सर्टिफिकेट में किया है। इस पर नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊंगी। सो यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।